समुंदर के किनारे बिरजू भेलपुरी वाले की दुकान थी। शाम के वक्त बहुत से लोग समुंदर के किनारे टहलने आया करते थे, जिसकी वजह से बिरजू की दुकान पर बहुत भीड़ हुआ करती थी। अरे आओ भाई आओ, बिरजू के हाथ से बनी नमकीन तीखी खट्टी मीठी इमली के आचार वाली स्वादिष्ट भेलपुरी खाओ। एक बार खाओगे बार बार आओगे। वाह भाई वाह, क्या मस्त भेलपुरी बनी है। पता नहीं क्या जादू है बिरजू भैया के हाथों में। और नहीं तो क्या, हम घर पर चाहे जितनी कोशिश कर ले पर ऐसी भेलपुरी नहीं बना पाते। अरे जरा हमें भी तो सिखाओ बिरजू भैया, आखिर आप ये भेलपुरी बनाते कैसे हो? अरे बहन जी, दुकानदार अगर अपना राज बता दे तो फिर उसकी दुकान कैसे चलेगी। बस यूँ समझ लीजिए कि आपका आशीर्वाद है और हमारा प्यार है और कुछ नहीं। आपकी बातें भी इस भेलपुरी की तरह नमकीन और मीठी है बिरजू भैया। इस तरह से बिरजू और बिरजू की भेलपुरी दोनों ही बड़े मशहूर हो चुके थे। बिरजू को मुनाफा भी अच्छा खासा होने लगा था। अजी जरा सुनो तो, मेरी मानो तो भेलपुरी के दाम जरा बढ़ा दो। ऐसा क्यों भाग्यवान, सब कुछ ठीक ही तो चल रहा है। क्या ठीक चल रहा है, अपना सोनू अब कॉलेज जाने लगा है, उसे मोटरसाइकिल चाहिए नहीं तो वो कॉलेज नहीं जाएगा। कॉलेज नहीं जाएगा, वो क्यों? उसके सब दोस्त उस पे हंसते हैं जब वो कॉलेज साइकिल लेके जाता है, और आप भी वो खटारा स्कूटर लेके दुकान जाते हो। मेरी मानो तो हमें अब एक मोटर गाड़ी लेनी चाहिए, और मेरे लिए भी तो एक नौ लखा हार बनाना है, हमारे भी तो कुछ सपने हैं। ठीक है कुछ करते हैं। और फिर दूसरे ही दिन से बिरजू ने भेलपुरी का दाम बढ़ा दिया। 15 रुपए की जगह अब भेलपुरी हो गई 25 रुपए की। लेकिन फिर भी ग्राहक उसके दुकान पे आना बंद नहीं हुए, वो तो दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे थे। मैंने कहा था ना, लोगों को अपनी भेलपुरी बहुत पसंद है, मैं तो कहती हूँ दाम और बढ़ा दो। बीवी के कहने पर बिरजू ने अब दाम और बढ़ा दिए। 25 रुपए की भेलपुरी अब 35 रुपए में बिकने लगी। ये देख बिरजू के दुकान के पास जो नारियल वाला था वो उसके पास आया। ये तुम क्या कर रहे हो बिरजू, दाम इतने बढ़ाओगे तो ग्राहक आना बंद हो जाएंगे, ऐसा मत करो। अरे तुम अपने धंधे की चिंता करो, तुम्हारे नारियल बिकते नहीं तो तुम मुझ पर जल रहे हो, जाओ पहले अपना धंधा संभालो। मुनाफे के साथ साथ बिरजू का लालच और घमंड भी बढ़ता ही जा रहा था। उसने अपनी दुकान पर अब एक नौकर भी रख लिया था जो भेलपुरी बनाता था। अरे उस इमली के आचार में पानी और गुड़ मिला दो, लोगों को कुछ समझ नहीं आएगा। ज्यादा मुनाफा कमाने के हेतु अब वो भेलपुरी में मिलावट भी करने लगा, जिसके कारण भेलपुरी का स्वाद अब पहले जैसा ना रहा। अब उसके ग्राहक भी शिकायतें करने लगे थे। अरे ये तो बहुत ज्यादा मीठी है, और इससे तो बास भी आ रहा है, कौन सा तेल इस्तेमाल करते हो भाई? बिरजू के ग्राहक उस पर नाराज होते जा रहे थे, लेकिन बिरजू को इसकी परवाह नहीं थी, उसके पास अब मोटर गाड़ी भी आ गई थी। अरे भाई इस भेलपुरी ने तो पूरा मजा ही किरकिरा कर दिया, चलो बाजू में जाकर नारियल पानी पीते हैं। ये क्या, इसमें तो कंकर है। अरे भाई तुम क्या प्याज की जगह पे भेल में कंकर मिलाते हो? अरे भाई इतना चिल्ला क्यों रहे हो, अब समंदर के किनारे हमारा ठेला है तो जरा सी रेत आई होगी हवा के झोंके से। ज्यादा पैसे मिलने की लालच से अब बिरजू का स्वभाव भी बदल चुका था। तुम ग्राहकों से इस तरह से पेश आते हो, हाँ जानते भी हो तुम किससे बात कर रहे हो? मैं फूड इंस्पेक्टर हूँ, तुम्हारे इस भेल की बहुत सी शिकायतें आई है हमारे पास। जी जी वो मैं मुझसे गलती हो गई। अगर गलती हुई है तो सजा भी तो मिलनी चाहिए, तुम्हारा लाइसेंस जब्त किया जाता है। अरे नहीं नहीं हुजूर, अरे ऐसा मत कीजिए, मैं गरीब आदमी हूँ, ऐसा मत कीजिए। मोटर कार में घूमते हो और खुद को गरीब कहते हो, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। बिरजू भेलपुरी वाले का लाइसेंस जब्त हो गया। पैसों के लालच में आकर मैंने अपने धंधे में ही बेईमानी की है, भगवान मुझे माफ कर देना, मैं दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगा। मुन्ना, किरण, श्रेयस और तुषार बचपन के जिगरी दोस्त थे। चारों के पिता बड़े बिजनेसमैन थे, पैसों की बिल्कुल भी कमी नहीं थी, लेकिन इनमें से किसी को पढ़ाई लिखाई में इंटरेस्ट नहीं था। खाना सोना इधर उधर भटकना, इसी में सारा दिन बिताया करते थे। आज की मूवी तो सुपर कूल थी यार, क्या स्टंट किए हैं ऋतिक ने, वाओ।
हाँ, मैं भी सोच रहा हूँ पापा को पटाके एक फिल्म प्रोड्यूस कर दूँ। पहले एक्टिंग तो सीख ले बेटा, फिर हीरो बनना। एक्टिंग की क्या जरूरत है, डांस तो ऋतिक से भी अच्छा करता हूँ ना। अरे वो सब छोड़ो, कल के एग्जाम का क्या करना है, मैंने तो पिछले 10 दिन से किताब भी नहीं खोली। ओ शिट यार, कल के एग्जाम का तो मैं भूल ही गया। अचानक चारों को कल के प्रीलिम एग्जाम के बारे में याद आता है और चारों टेंस्ड हो जाते हैं। ओ गॉड, टीचर ने मेरे पापा से कंप्लेंट की तो मेरी फिल्म घर पे ही बन जाएगी। हाँ यार, मेरे पापा तो मेरा पॉकेट मनी, बाइक सब बंद कर देंगे। चिल डूड, क्यों इतना पैनिक हो रहा है, ये किरण है, तब तक तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं। वो सभी परीक्षा के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे, इसीलिए वो परीक्षा से बचने के नए तरीके ढूंढने लगे। यस, एक आइडिया है, चलो मेरे साथ फटाफट। चारों दोस्त एक मैदान में आ जाते हैं जहाँ काफी कीचड़ है। अब हमें यहाँ क्यों लाए हो किरण? प्लीज यार, मेरा क्रिकेट खेलने का बिल्कुल मूड नहीं है, ऑलरेडी मेरी फट गई है, हर जगह पापा ही दिखाई दे रहे हैं। ओम शांति ओम। सब अपने अपने कपड़ों पर ये कीचड़ लगाओ। हैं? कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए? अरे लगाओ तो। किरण के कहने पर उन चारों दोस्तों ने बिना सोचे समझे अपने कपड़ों पर कीचड़ लगा लिया। इस प्रकार गंदे हालत और पसीने से लथपथ चारों दोस्त अपने टीचर के घर पहुंच जाते हैं। अरे ये क्या हालत बन गई है तुम्हारी बच्चों, सब ठीक तो है? सर, हम सब मेरे गांव मेरी बीमार दादी को देखने गए थे और वहां से लौटते समय हमारी कार कीचड़ में फंस गई, टायर भी फट गया और गाड़ी को धक्का लगाते लगाते हम अभी शहर पहुंचे हैं। हो, ये तो बहुत बुरा हुआ, लेकिन तुम घर जाने की बजाय यहाँ क्यों आए हो फिर? सर, हम सबकी कल की टेस्ट की तैयारी पूरी नहीं हुई है। कोई बात नहीं, तुम सब 3 दिन बाद टेस्ट देना, ठीक है? यस सर, हम सब पूरी तैयारी करके एग्जाम देंगे। थैंक यू सर। 3 दिन बाद सब बच्चे पढ़ाई करके एग्जाम के लिए क्लास में पहुंचते हैं। सर, हम एग्जाम के लिए रेडी है। वेरी गुड, लेकिन तुम सबको अलग अलग क्लासरूम में बैठना होगा। टीचर हर एक बच्चे को अलग अलग क्लासरूम में बिठा देते हैं। सब बच्चे आश्चर्यचकित हो जाते हैं लेकिन पेपर सॉल्व करने लगते हैं। पेपर में सिर्फ 2 सवाल है, पहला योर फुल नेम और दूसरा सवाल है कार का कौन सा टायर फट गया था। ए आगे का राइट, आगे का लेफ्ट, अब क्या लिखे, पीछे का राइट, पीछे का लेफ्ट, हम तो फंस गए। दूसरा सवाल देख के सभी बच्चों को अपनी गलती का एहसास होता है। कैसा था पेपर बच्चों? सर, हमें माफ कीजिए। हाँ सर, फिर कभी हम झूठ का सहारा नहीं लेंगे। ठीक है, अपनी गलती की जिम्मेदारी लोगे तो जिंदगी में बहुत आगे बढ़ोगे, नहीं तो जिंदगी तुम्हें सबक सिखा देगी। पैतीस साल का नूतन कुमार पूरे मिर्जापुर गांव में अपने तेज दिमाग और हाजिर जवाबी के लिए मशहूर था। शायद इसीलिए गांव के कुछ लोग प्यार से और कुछ मजाक में उसे न्यूटन बुलाते थे। आओ भाई न्यूटन कुमार, क्या हाल है, कैसे चल रहा है तुम्हारा गैरेज? जी आपकी कृपा है। न्यूटन जी, गांव में जो नई सड़क बन रही है वो कहाँ जाएगी? जी सड़क तो यही रहेगी, आपको कहाँ जाना है ये बताइए। नूतन का हाजिर जवाब सुन के सब लोग हंस पड़ते हैं और नूतन अपने रास्ते चला जाता है। वाह भाई वाह, इसकी हाजिर जवाबी का तो जवाब नहीं। एक दिन ऐसे ही रात को नूतन अपने गैरेज से घर लौट रहा था। रात काफी घनी थी, रास्ता भी सुनसान था। आज तो घर वालों की जरूर डांट पड़ेगी। तभी नूतन को कहीं से फुसफुसाने की आवाज आती है। उसने आसपास देखा तो एक बड़े से पेड़ के नीचे उसे 3 आदमी बातें करते नजर आए। इतनी रात गए ये लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं? चलो देखते हैं। क्या हो रहा है भाई, इतनी रात गए तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो? उन चोरों को लगता है कि नूतन भी उन्हीं के जैसे चोरी के इरादे से वहां आया है। इतनी रात को एक ही काम होता है भैया, जो तुम भी करने आए हो। मैं? और नहीं तो क्या, तुम कौन से घर में चोरी करने वाले हो? ओ अच्छा, मतलब आप चोर हो। हाँ, जाओ अब अपना काम करो और हमें हमारा काम करने दो। तीनों चोर एक घर की तरफ चल पड़ते हैं। नूतन सोच में पड़ता है, वैसे भी आज देर बहुत हुई है, घर वाले भी सो गए होंगे, इतनी रात दरवाजा खोल के उन्हें उठाना बुरा है, क्यों ना मैं इन चोरों के साथ चला जाऊं, शायद कुछ नया सीखने को मिल जाए। अरे भाइयों सुनो सुनो ना,
क्या आप मुझे अपने साथ ले चलेंगे? चोर शक की नजर से नूतन को देखते हैं। नहीं भाई, तुम अपनी गली से निकल लो। अरे भाई प्लीज मुझे आपके साथ आने दीजिए ना, मैं जरूर आपके कुछ ना कुछ काम आऊंगा। नूतन के बहुत जोर देने पर वो चोर उसे अपने साथ चलने की अनुमति देते हैं। ठीक है, हमारा ही भाई बंद हो, आ जाओ, लेकिन कुछ गड़बड़ मत करना। जी आप बिल्कुल चिंता ना करें। अब तीनों मिलके बिना आवाज किए एक बड़े घर में घुसते हैं। उनके पीछे पीछे नूतन भी अंदर जाता है। भाई लगता है आज कुछ तो बड़ा माल हाथ लगेगा। हाँ सही कहा भिड़ू, घर तो बहुत बड़ा है और लगता है घर पे कोई है भी नहीं। तीनों चोर अलग अलग कमरे में जाते हैं और मूल्यवान वस्तु ढूंढने लगते हैं। अलमारियां खोल देते हैं, बिस्तर उलट पुलट कर देते हैं। मैं भी कुछ ढूंढने का नाटक करता हूँ, नहीं तो ये लोग जान जाएंगे कि मैं चोर नहीं हूँ। नूतन एक बंद कमरे की तरफ बढ़ता है, तभी उसे एक अच्छी सी खुशबू आती है। वो उस खुशबू की तरफ जाता है और बड़े से रसोई में पहुंचता है। तो ये मीठी सी खुशबू यहाँ से आ रही है। नूतन का ध्यान चूल्हे पर रखी खीर की तरफ जाता है। खीर उबल रही है और उसकी खुशबू चारों ओर फैली है। खुशबू ही इतनी सुंदर है तो ये खीर स्वाद में कैसी होगी। नूतन को खीर खाने की इच्छा होती है, वो भूल जाता है कि अब वो एक चोर है। नूतन पतेली के पास जाता है और थोड़ी सी खीर छोटे कटोरी में लेता है। अब वो खीर का पहला निवाला खाने को है और तभी हल्की सी आवाज आती है। उसका ध्यान कमरे के कोने में जाता है। अरे ये दादी जी यहाँ पे क्या कर रही है? नूतन को एक बूढ़ी औरत वहां कोने में एक कुर्सी पे बैठी नजर आती है। नींद में उनका एक हाथ हिलता हुआ देख नूतन को लगता है, ओ शायद ये दादी जी खीर मांग रही है। ऐसा सोचकर नूतन दादी के हाथ में गरम गरम खीर की कटोरी रख देता है। अरे बाप रे, हाँ ये कौन है? कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? अरे रुको रुको, कहाँ भाग रहे हो? अरे पकड़ो पकड़ो उन लुटेरों को, चोर चोर। दादी की चीख सुन के आसपास के लोग जमा होने लगते हैं। तीनों चोर डर जाते हैं और इधर उधर छुप जाते हैं, लेकिन एक चोर लोगों के हाथ लगता है। शैतान लुटेरे, मेरा घर लुटने आए हो? लोग उस एक चोर को पकड़ते हैं और पीटने लगते हैं। कलमुहा कहीं का बुढ़िया का घर लुटने आया था? वही ऊपर माले पे छुपा नूतन ये सब तमाशा देख रहा है। बाकी के दो चोर भी छुपके सारा तमाशा देख रहे हैं और पकड़ा हुआ चोर डर से कांप रहा है। बोल यहाँ क्यों आया था? ऊपर वाला जाने। क्या क्या चुराया तुमने? ऊपर वाला जाने। ये तो मेरी वाट लगा देगा। कब से मेरे घर पे नजर है तुम्हारी? ऊपर वाला जाने। हर सवाल के जवाब में चोर ऊपर वाला जाने ये एक ही जवाब देता है। सारे लोग चकरा जाते हैं। लगता है भगवान को काफी मानता है, जाने दो इस बार इसे छोड़ देते हैं। तभी माले पे बैठा नूतन धड़ाम से नीचे कुदी लगाता है और उस चोर को एक जोर का थप्पड़ लगाता है। सारे लोग अचरज में पड़ जाते हैं। क्यों भाई, सारे पाप तुमने और तुम्हारे दो साथियों ने किए हैं, फिर बार बार ऊपर वाला जाने कह के मेरा नाम क्यों ले रहे हो? भाइयों, दादी जी, मैं तो ऐसे ही घूमते घूमते इनके साथ आया था। नूतन की बात खत्म होते ही लोग बचे हुए दो चोरों को भी ढूंढ लेते हैं और सबकी धुलाई करते हैं। यही मौका है यहाँ से कल्टी मारने का। नूतन होशियारी से बिना आवाज किए वहां से निकल जाता है। चलो बाल बाल बच गए, आज सचमुच मुझे ऊपर वाले ने ही बचा लिया। गिरधरी लाल, जो एक माध्यमिक स्कूल के प्रिंसिपल थे, अब रिटायर हो चुके थे। उनके इकलौते बेटे तुषार की कुछ ही महीनों पहले शादी हुई थी और वो एक अच्छी जॉब भी कर रहा था। पिताजी, आपको बाजार से कुछ मंगवाना है तो बताइए, मैं शाम को ऑफिस से आते वक्त ले आऊंगा। नहीं बेटा, दवाइयाँ कल बहू ने ला दी है, बाकी एक दो नए पौधे गार्डन में लगाने थे, वो मैं खुद नर्सरी से ले आऊंगा। जी पिताजी। गिरधरी लाल की रिटायर्ड लाइफ अच्छी गुजर रही थी। किताबें पढ़ना, बागवानी करना, शाम को सैर सपाटे के लिए पहाड़ी पर जाना, दोस्तों से मिलना, पूरा दिन हंसते खेलते गुजर जाता। और अब उनकी खुशी और बढ़ने वाली थी। एक दिन तुषार और उसकी पत्नी उनके पास आए। पिताजी हमें आशीर्वाद दीजिए। आशीर्वाद? किस बात के लिए बेटा? पिताजी आप दादा बनने वाले हैं। ये खुशी की बात सुन के गिरधरी लाल फूले नहीं समाए। वाह क्या बढ़िया खबर सुनाई है तुमने, आज तुम्हारी माँ जिंदा होती तो खुशी से पागल हो जाती। महीने बीत जाते हैं। गिरधरी लाल बड़े उत्साह से अपने आने वाले पोते का इंतजार कर रहे थे। अब तुषार की पत्नी का सातवां महीना चल रहा था। ये लो बहू, तुम्हारे लिए। ओह बहुत सुंदर है, धन्यवाद पिताजी।
बहू, खाना ठीक से खा रही हो ना? जी पिताजी, आपकी सारी सलाहें बहुत काम आ रही है। लेकिन आज तुषार की माँ जिंदा होती तो तुम्हें सिर पे बिठाती। तभी तुषार बाजार से सामान लेके घर आता है। सीमा, आज तुम सिर्फ आराम करो, मैं खाना बनाऊंगा। बिल्कुल ठीक तुषार, आज खाना हम दोनों मिलके बनाएंगे। बहू को आज छुट्टी। आप दोनों मुझे आलसी बना दोगे, फिर ये आने वाला छोटा मेहमान भी आलसी बनेगा। बाद में मुझे मत खरी खोटी सुनाना। तुषार और गिरधरी लाल पालक की सब्जी साफ करने बैठते हैं और सीमा आराम से सोफे पे बैठी है। अच्छा, अब मुझे ये बताओ, तुम दोनों अपनी संतान को कैसे बड़ा करोगे? ये भी कोई पूछने की बात है पिताजी? बेशक हम उसे बड़े प्यार दुलार के साथ बड़ा करेंगे। हाँ, उसे जो चाहिए वो सब उसे देंगे, उसकी सारी इच्छाएं पूरी करेंगे, उसे किसी भी प्रकार की कठिनाइयों का सामना नहीं करने देंगे। बिल्कुल, उसे हर मुसीबत से दूर रखेंगे। उन दोनों की बातें सुन के गिरधरी लाल सोच में पड़ जाते हैं। हम ठीक कह रहे हैं ना पिताजी? इसका जवाब मैं तुम्हें कुछ दिनों बाद दूंगा। गिरधरी लाल की बात सुन के तुषार और सीमा उलझन में पड़ जाते हैं। अगले दिन गिरधरी लाल नर्सरी से गुलाब के दो छोटे पौधे ले आते हैं और एक पौधा बेटे और बहू को दे देते हैं। बहू, तुषार, ये छोटा पौधा तुम्हें हमारे बगीचे में लगाना है। और ये दूसरा पौधा पिताजी? ये मैं खुद लगाऊंगा और आज से हम दोनों अपने अपने पौधों की निगरानी करेंगे। अब गिरधरी लाल अपने पौधे को बगीचे में लगा देते हैं और उसके पास ही तुषार और सीमा उनके पौधे को। दोनों अपने अपने पौधे की अच्छे से देखभाल कर रहे हैं, लेकिन तुषार और सीमा थोड़ी ज्यादा। पता नहीं पिताजी हमें क्या सीख देना चाहते हैं। मैं तो सोच सोच के थक गया। दिन बीतते जाते हैं। गिरधरी लाल अपने पौधे को सिर्फ आधा गिलास ही पानी देते थे और तुषार अपने पौधे को दो गिलास पानी और हर हफ्ते खाद भी देता था। हमारा पौधा पिताजी के पौधे से ज्यादा हरा भरा लग रहा है ना? हाँ, और ज्यादा ऊंचा भी। सीमा और तुषार उनके पौधे का विकास देख के बहुत खुश थे, लेकिन गिरधरी लाल अपने पौधे को सिर्फ आधा गिलास ही पानी क्यों देते थे, ये बात उनकी उलझन बढ़ा रही थी। पिताजी, आप अपने पौधे को इतना कम पानी क्यों डाल रहे हो? मुझे लगता है इसीलिए उसका ठीक से विकास नहीं हो रहा। सही वक्त आने दो, मैं तुम्हारे सारे सवालों का जवाब दूंगा। एक दिन रात को अचानक तूफान आता है, जोर की हवाएं चलती है। सुबह जब तुषार और सीमा बाहर बगीचे में आते हैं तब वो हैरान हो जाते हैं। ओह, ये क्या, हमारा हरा भरा पौधा बिल्कुल नष्ट हो गया है। सारी जड़ें मिट्टी से बाहर उखड़ आई है, ये कैसे मुमकिन है? बाप रे, इसका मतलब पिताजी के पौधे का तो भारी नुकसान हुआ होगा। तभी उनका ध्यान गिरधरी लाल के पौधे की ओर जाता है और वो चकित हो जाते हैं। इतने में गिरधरी लाल वहां पर आते हैं। पिताजी, ये तो अनहोनी हो गई। क्या हुआ बेटा? पिताजी, हमारा पौधा कल रात के तूफान में पूरा नष्ट हो गया है। अच्छा, ये तो बहुत बुरा हुआ। लेकिन पिताजी, आपका पौधा बिल्कुल टकाटक है, आप ना तो उसे खाद डालते थे और ना ही बहुत सारा पानी देते थे। और हमने इतनी सावधानी से उसकी देखभाल की, फिर भी वो इस तूफान में टिक नहीं पाया, ऐसा क्यों? वो इसलिए क्योंकि तुम्हारे जरूरत से ज्यादा देखभाल ने उसकी मजबूत बनने की नैसर्गिक क्षमता को मार डाला। तुषार और सीमा अभी भी उलझन में है। हम कुछ समझे नहीं पिताजी। समझाता हूँ। जब मैं मेरे पौधे को सिर्फ जरूरत के अनुसार आधा ग्लास पानी दे रहा था, तब पौधा अपनी बढ़ती हुई जरूरत पूरा करने के लिए खुद की जड़ों को जमीन के अंदर फैला रहा था और आसपास के मिट्टी से पानी प्राप्त कर रहा था। इसी वजह से उसकी जड़ों ने जमीन में अच्छे से पकड़ जमा ली। इस कारण कल रात के तूफान का इस पौधे ने डट के सामना किया। और हमारा पौधा क्यों नहीं कर पाया? वो इसलिए क्योंकि तुम्हारी ज्यादा देखभाल ने उसकी परिस्थिति से मुकाबला करने की क्षमता नष्ट कर दी। तुम्हारे पौधे को जरूरत से ज्यादा पानी, पोषण मूल्य आराम से मिल रहे थे, इसीलिए उसने मिट्टी के अंदर घुसने की कोशिश ही नहीं की। और इसीलिए उसकी जड़ें जमीन में पक्की पकड़ ना कर पाई और पौधा कल के तूफान का सामना ना कर सका। बिल्कुल सही। लेकिन आप हमें इस अनुभव से क्या सीख देना चाहते हैं? हमारी संतान भी इसी पौधे की तरह होती है। उनकी बढ़ती उम्र में अगर उन्हें जरूरत से ज्यादा लाड़ प्यार और देखभाल मिले तो उनकी कठिन परिस्थितियों से लड़ने की क्षमता विकसित नहीं होती और जिंदगी में उन्हें संकटों का सामना करना मुश्किल होता है। एकदम सही। आई बात समझ में। थैंक यू पिताजी, हम आपकी सलाह याद रखेंगे। राम ने अपने पिताजी के गुजर जाने के बाद उनकी चाय की टपरी का धंधा संभाला था। आसपास के कॉर्पोरेट ऑफिस के बहुत सारे लोग वहाँ नियमित चाय पीने आते।
राम के पिताजी की तरह उसके हाथ की चाय भी उस एरिया में बहुत फेमस थी। लीजिए साहब, आपकी कम शक्कर वाली चाय। शुक्रिया दोस्त, चाय बहुत बढ़िया है, एकदम आपके पिताजी के हाथों की टेस्ट है। जी थैंक यू, उन्हीं की बड़ी इच्छा थी कि मैं ये चाय का धंधा संभालूं। पढ़ाई में दिमाग काम नहीं करता था तो सोचा घर का ही धंधा कर लूं। बिल्कुल सही निर्णय लिया है तुमने, गुड। दिन बीतते गए, राम का धंधा अच्छा चल रहा था, लेकिन जैसे ही राम की शादी हो गई उसे अपनी आमदनी कम पड़ने लगी। अरे भाग्यवान, आज फिर से तुमने शॉपिंग की। जी हाँ, हमारे पास इस कलर की साड़ी नहीं थी, बहुत प्यारा कलर है ना, हमें ये साड़ी चाहिए। क्या कीमत है इसकी? जी एकदम कम, सिर्फ 2000। साड़ी की कीमत सुनते ही राम को पसीने छूटते हैं, लेकिन अपनी प्रिय पत्नी को वो नाराज नहीं कर पाता। रख लो, शाम को पैसे देता हूँ। राम की पत्नी खुश हो जाती है। सच? अब बहुत अच्छे है जी, मुझे आपको कुछ बताना है, आप बाबा बनने वाले हैं। ये खुशखबर सुनकर राम फूले नहीं समाता। ओ सच, मैं बाबा बनने वाला हूँ। राम अपनी आमदनी को लेके ज्यादा गंभीर हो जाता है। इस चाय के धंधे से अब गुजारा नहीं होगा, महंगाई इतनी बढ़ रही है और अब खर्चे भी बढ़ेंगे। एक दिन चाय की टपरी पे राम कुछ सोच में डूबा था, तभी चाय पत्ती बेचने वाला सेल्समैन प्रवीण वहाँ आता है, जो अब राम का अच्छा दोस्त भी है। क्या हुआ राम, इतना टेंशन में क्यों दिख रहे हो? कुछ नहीं यार, सोच रहा था इस महंगाई में कैसे घर गृहस्थी चलाए। चाय का रेट बढ़ाओ तो कस्टमर टूट जाएंगे, और दूसरी तरफ शक्कर, दूध और चाय पत्ती के दाम दुगने हो रहे हैं। प्रवीण राम की समस्या समझ जाता है और उसे एक सुझाव देता है। तुम एक काम करो। क्या? वही चाय पत्ती दो बार इस्तेमाल करो। प्रवीण की बात सुन के राम चौंक जाता है। नहीं नहीं यार, ये तो गलत है, किसी को पता चला तो मेरे बाबूजी का नाम खराब हो जाएगा। ये कलयुग है राम, यहाँ पैसा ही सब कुछ है, और उसे कमाने के लिए ऐसे पैंतरे आजमाने पड़ते हैं। दूसरे दिन राम ने प्रवीण की सलाह के अनुसार चाय को छानने के बाद छलनी में बची हुई चाय पत्ती को धूप में सुखा लिया और उस पर ब्राउन कलर का पोस्टर कलर छिड़क दिया। सूखने के बाद उस कलर वाली चाय पत्ती को फिर से चाय बनाने के लिए इस्तेमाल किया। अरे वाह, प्रवीण की तरकीब तो एक नंबर है, पैसे भी बच रहे हैं और किसी को पता भी नहीं चल रहा। कस्टमर रोज की तरह आ रहे थे, लेकिन किसी को राम पे शक नहीं हुआ। बढ़ती हुई आमदनी देख राम की पत्नी बहुत खुश थी। लगता है आजकल आपका धंधा खूब चल रहा है। हाँ हाँ, भगवान की कृपा है। अच्छा है, अब हम हमारे बच्चे को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाएंगे, उसे बड़ा अफसर बनाएंगे। राम इस्तेमाल की हुई चाय पत्ती सुखा के उस पे कलर चढ़ाने का काम बखूबी कर रहा था। और एक दिन, साहब यही है वो आदमी जो हर दूसरे दिन मेरे दुकान से ब्राउन कलर लेके जाता है। क्यों भाई, क्या मांझ रहा है, क्या करते हो इतने कलर का? पुलिस को देख राम के पसीने छूट जाते हैं। पुलिस राम के ठेले की तलाशी लेती है और उन्हें वहाँ सूखी चाय पत्ती और ब्राउन कलर की बॉटल्स मिलती है। अच्छा, तो तुम यूज्ड की हुई चाय पत्ती को कलर देके फिर से इस्तेमाल करते हो। मुझे माफ कर दीजिए साहब, ज्यादा पैसे कमाने की लालच ने मुझे अंधा कर दिया था। लेकिन तुम्हारी इस गलती की सजा कितने सारे मासूम लोगों को मिलती है ये तुम्हें नहीं पता। चलो जेल की हवा खाओ। इस प्रकार लालच की वजह से राम ने अपने और अपने साथ साथ अपने पिताजी की प्रतिष्ठा भी मिट्टी में मिला दी।